हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक मकान में आया हूँ, जहाँ पर जैसे कि इस तरह की जो लकड़ी की खिड़कियाँ हैं इसमें जैसे ग्रिल बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जैसे कि खिड़की है, उसके बाद जैसे कि कुछ इस तरह से ना छोटे जहाँ पर रोशनदान बनाने हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आया हूँ अपने दुकान से, काफ़ी दूर बनारस आया हूँ। यहीं पर जैसे कि ये 5 मंजिला मकान है जहाँ पर ये सब बन रहा है। तो दोस्तों ये जो खिड़कियाँ हैं, इस तरह की खिड़कियाँ, उसके बाद जो है कि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वो पीछे कुछ इस तरह की जो है कि खिड़कियाँ हैं, जिसका ग्रिल जो है कि हमें बनाना है। और दोस्तों ये जितना मकान का काम है ग्रिल का, वो सब मेरे जैसे कि अंडर में ये, और मुझे ये सब करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे बताइए कि जो लकड़ी की खिड़की होती है उसमें जो ग्रिल की नापी ली जाती है वो कैसे ली जाती है। इस वीडियो में दोस्तों मैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ मेरा चेंज है क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है हमारा किसी कारणवश। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं क्या करूँगा कि बिना समय गवाए अभी आपको बताता हूँ कि खिड़की का जो ग्रिल होता है, मतलब इस खिड़कियों का अगर ग्रिल जैसे आप लोग को नापना होगा तो आप कैसे नापेंगे। तो दोस्तों हमें जिस खिड़की का ग्रिल बनाना है उसका डिजाइन आप लोग देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। वहाँ पर ऊपर दो छोटा छोटा, इसके बाद यहाँ पर लंबा वाला गैप, इसके बाद बीच में एक बड़ा वाला गैप। तो दोस्तों इसमें जैसे कि नापी लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो डिज़ाइन नज़र आ रही है खिड़की की, वो तो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे वो तो कई तरह की हो सकती हैं। वो तो मिस्त्री के बनाने के ऊपर है और क्लाइंट जैसा बनाएंगे वैसा जैसे कि मिस्त्री बनाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम इसकी नापी लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, ताकि आप लोग ध्यान में रखें। दोस्तों ये देखिए, जिस खिड़की की मैं नापी लेने आया हूँ इसमें 4 खच है। देखिए यहाँ पर पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा एक ये बाहर से। दोस्तों कुछ खिड़कियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ 3 ही खच रहता है, मतलब कि 1, 2 और 3 सिर्फ इतना ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए ये 4 खच है। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये माजरा क्या है भैया, 3 खच वाला और 4 खच वाला। तो दोस्तों सबसे पहले उसे मैं समझा देना चाहता हूँ, इसके बाद इसकी नापी लेना मैं बताऊँगा। तो दोस्तों जब भी किसी क्लाइंट का आप लोग ग्रिल की नापी लेने जाइएगा, तो जहाँ पर आप लोगों को 4 खच वाला नज़र आए, मतलब 1, 2, 3, 4, तो आप लोग सिंपली ये समझ जाइएगा कि जो क्लाइंट हैं वो अंदर से भी पल्ला लगवाना चाहते हैं और बाहर से भी पल्ला लगवाना चाहते हैं, मतलब अंदर से भी खुले और बाहर से भी खुले। उसके लिए दोस्तों 4 खच का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि इसमें 4 खच है। अच्छा, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि सिर्फ अंदर से ही मतलब पल्ला लगवाना चाहते हैं, मतलब खोलने बंद करने के लिए, बाहर से जैसे कि कोई सिस्टम नहीं रहता, सिर्फ ग्रिल आता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे 3 ही खच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही नज़र आएगा, सिर्फ इतना ही। अच्छा अब दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, दोस्तों जिस क्लाइंट का पल्ला अंदर से खुलने वाला होता है वहाँ पर ये जो खच होता है ये इसके विपरीत हो जाता है, मतलब ये जो गड्ढा वाला भाग है ये आगे की तरफ रहता है उभरे भाग के स्थान पर, और जो उभरा हुआ भाग होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो अब दोस्तों किसी भी का भी नाप लेने जाइएगा तो आप लोगों को ये ध्यान में रहे कि जब आप लोग अंदर से पल्ला वाला सिस्टम जो नापेंगे तो वहाँ पर ये जो उभरा वाला भाग है वो आपको अंदर नज़र आएगा और ये गड्ढा वाला भाग इधर नज़र आएगा। ये इसलिए रहता है क्योंकि जब आप लोग 1.25 इंची पट्टी में जो है कि ग्रिल बनाएं तो वो आ करके इसी खच में पिल जाए, और जो है कि क्लाइंट क्या करे उसमें होल रहता है खिड़की के जो पटरी होती है उसमें, फिर स्क्रू पुस्क्रू मार करके उसमें टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो इसमें खच होता है वो 3 सूत गड्ढा रहता है और 3 सूत मोटा रहता है, मतलब 10 mm अंदर तक रहता है और 10 mm चौड़ा रहता है। तो वो जो सिस्टम रहता है तो उसमें क्या रहता है कि जो ग्रिल आपका बनता है ना जिस सरिया में, उसी सरिया में जो है कि आपका मतलब वो बॉर्डर भी बनता है, मतलब उसी में तब पटरी नहीं रहती, तब वो क्या रहता है वो 10 mm का सरिया ही रहता है, वो अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बनाना है वो पटरी में बनाना है, 1.5 इंची के पटरी का बॉर्डर रहेगा, बाकिया जो है कि सरिया में मतलब डिजाइन रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे कि जैसे कि अंदर से खुलने वाला पल्ला रहेगा तो दोस्तों वो क्या रहेगा कि मतलब ये खर्च जो है कि ठीक इसके विपरीत हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसका नापी लेना बता देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें कन्फर्म हो गया कि इसमें भी पल्ला लगेगा और ये जो बाहर का खर्च है इसमें भी पल्ला लगेगा। अब दोस्तों बचा ये सिर्फ ये 2 खच तो गायब हो गया, 2 खच बचा। तो अब दोस्तों इसमें जो ग्रिल नापने का सिस्टम है वो देखिए अंदर वाला है, मतलब ये जो खर्च है ना यही रहेगा, ताकि हम लोग जब ग्रिल बना के दें तो जब ये क्लाइंट
प्लांट इसमें बैठाएं तो इसके लेवल में आ जाए, मतलब जो पौना इंच की पटरी चिपकी है तो इसके लेवल में आ जाए, मतलब यहाँ पर अंदर से इसी फेस पर ग्रिल बैठेगा। तो इसका नापने का तरीका ये है दोस्तों कि आप लोग यहाँ से टेप लगाइएगा इस बारी से लेकर के और इसके इस बारी तक, यहाँ तक जितना भी इसका दूरी आएगा, जितना भी एकदम परफेक्ट वही साइड जैसे आपको बनाना होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी दूरी आएगी उतना, ठीक है, चौड़ाई हो गई। अब लंबाई की बात कर लें तो लंबाई में भी दोस्तों ठीक इसी खच में, जैसे कि इस बारी से लेकर के और ऊपर के उस बारी तक, यहाँ तक जैसे आपको मतलब कि नापना होगा, मतलब ये खच ही नापना होगा, जो अंदर का खच है ना यही नापना होगा, और यही एक्यूरेट अगर आप बना देंगे तो क्लाइंट जो है कि जो लकड़ी का ये ग्रिल बनाए ना वही ला करके बैठा देंगे, चाहे आप भी ला करके जैसे बैठा सकते हैं। ये तो हो गया अंदर बाहर वाला पल्ला। अच्छा ठीक है, अच्छा जब मान लीजिए जो अंदर का ही सिर्फ पल्ला वाला होता है, मतलब ये तो डबल वाला पल्ला का मैंने बता दिया, जो अंदर वाला सिर्फ खुलता है तो उसका जब खच उल्टा रहता है तो सिर्फ वही नापना होता है। जिस तरह से इसमें ये अंदर का खच नापा जाता है ना, उसी तरह से उसमें भी जो खच है अंदर का वही नापा जाता है। दोस्तों आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए एक बात और बता देना चाहता हूँ, दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ग्रिल में मिस्त्री क्या करते हैं कि सिर्फ पल्ला वाला सिस्टम अलग कर लेते हैं और ये वाला सिस्टम पूरा अलग करते हैं, मतलब तीन खच वाला नहीं रहता, एक पल्ला का हो जाता है और ये कि ये पूरा लेबल हो जाता है, मतलब ये जो खच नजर आ रहा है ना तो ये भी नहीं रहता, मतलब ये पूरा एक लेबल और ये पल्ला वाला एक लेबल रहता है। तो उसमें दोस्तों दो कंडीशन आ जाती है, उसे मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। उसमें होता क्या है कि कुछ मिस्त्री ऐसे भी होते हैं कि जब ये लकड़ी का कार्य करके देते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्वयं कहते हैं कि, जैसे उनसे बात भी करना पड़ता है, वो जैसे कि कहते हैं कि भैया एक काम कीजिए कि मैंने जो ग्रिल वाला खच है इसमें अभी बनाया नहीं है, एक काम करो आप आ करके नाप ले लो। तो जब हम लोग नाप लेने जाते हैं, मतलब मान लीजिए ये खच रहता ही नहीं है तो हमें यहाँ से लेकर के और इसके ऊपर का ही जैसे नाप ही लेना पड़ता है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि वो मिस्त्री हमसे कहते हैं कि ये नापी जितना आ रही है, मतलब इसका एक्यूरेट फेस में, उसमें आप लोग आधा इंच बढ़ा दीजिएगा। जब आप आधा इंच बढ़ा देंगे तो मैं क्या करूँगा कि दो सूत इधर खच और दो सूत इधर खच करके बाद में जैसे मैं पिला दूँगा, वो भी सिस्टम होता है। अच्छा एक कंडीशन और भी होता है कि दोस्तों जब मिस्त्री बना करके देते हैं और ये जब ये दो ही खच वाला रहता है तो वो बॉर्डर पर ही चिपक जाता है, मतलब वो बाद में खच नहीं बनाते, मतलब ये जो हो गया सो हो गया। अब आपको क्या करना पड़ता है कि इसी लेवल में ले करके, मतलब आप लोगों को नापी ले करके फिर जैसे ग्रिल का सिस्टम बनाना पड़ता है और उसमें जैसे कि होल रहता है पट्टी में, मिस्त्री लगाते हैं अपना जैसे कि स्क्रूप डालते हैं और कस देते हैं या फिर ठोक देते हैं, तब भी जैसे कि ग्रिल क्या होता है जाम हो जाता है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी सलाह ये है दोस्तों कि जो भी मिस्त्री इस लकड़ी का काम किए हैं एक बार आप उनसे ज़रूर बात करें कि भैया आपने किस सिस्टम से बनाया है और आप ग्रिल किस हिसाब से बैठाना चाहते हैं जरा मुझे बता दीजिए, तो वो आपको पूरी बात ही बता देंगे कि हाँ भैया इसका नापी किस हिसाब से आप लेंगे तो ग्रिल जैसे सही बैठ जाएगा। तो एक बार उनसे भी आप लोग जरूर बात कीजिएगा। हालांकि ये तो मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसे कि नापी लेने के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो दोस्तों यही बात हमें बतानी है। तो अब मैं भी क्या करूँगा कि इस तरह की जितनी भी खिड़कियाँ हैं सभी का मैं नाप ले लूँगा और इसके बाद अपने दुकान पर जा करके बनाऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।